तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही छोटा टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई डाउन कमर इज इंस्टॉल्ड एट आउटसाइड ऑफ बॉलर, यानी कि बॉलर के आउटसाइड में डाउन कमर को क्यों इंस्टॉल किया जाता है, क्यों नहीं बॉलर के अंदर हम लोग डाउन कमर का लाइन दे देते हैं। अगर हम लोग अंदर से डाउन कमर का लाइन देंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बॉलर के आउटसाइड में ही डाउन कमर को क्यों इंस्टॉल किया जाता है, क्यों नहीं इनसाइड में इंस्टॉल करते हैं, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि डाउन कमर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा स्टीम ड्रम है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ड्रम में 50% हमारा वाटर रहता है बॉटम साइड में, और टॉप में 50% में हमारा स्टीम रहता है, ठीक है। और इस ड्रम में हम लोग पानी कहाँ से भेजते हैं, तो बॉयलर फीड पंप यानी कि बीएफपी द्वारा उसको हाई प्रेशर से डिस्चार्ज किया जाता है वाया इकोनोमाइजर, यानी कि इकोनोमाइजर में यहाँ पे हम लोग सेंसिबल हीटिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इस ड्रम में प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा वाटर इस ड्रम के अंदर आ जाता है, तो इस वाटर को फाइनली हमें कहाँ भेजना है, तो बॉयलर के अंदर भेजना है। तो इस वाटर को यानी कि ड्रम में जो वाटर है, इसको बॉयलर में भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन कमर की मदद से हम लोग इसको बॉयलर में भेजते हैं। तो हम लोग का ये जो डाउन कमर है ना, आउटसाइड बॉयलर रहता है, यानी कि बॉयलर के आउटसाइड में रहता है। तो इसको आउटसाइड में रखने का मेन पर्पस क्या होता है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वाटर है, इसका जो डेंसिटी होता है, इस स्टीम की डेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, स्टीम का डेंसिटी कम होता है। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वाटर को हाइट पे रखेंगे, वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है, यानी कि एवरी 10 मीटर में, यानी कि जब हम लोग 10 मीटर हाइट कर देंगे, तो हमारा 1 kg/cm² प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जितना ड्रम का हाइट हमारा ज्यादा रहेगा, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, यानी कि उतना हमारा ग्रेविटी की वजह से पानी हमारा नीचे की तरफ आएगा। एक तो हमारा ड्रम के अंदर जो प्रेशर है वो, प्लस जो हमारा हाइट पे रखने की वजह से, जितना मीटर हाइट रखेंगे उतना के जी आपका प्रेशर डेवलप होगा। तो ये जो वाटर है बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये डेंसिटी के चलते, यानी कि हाई डेंसिटी के चलते वो क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस डाउन कमर लाइन को अंदर रखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये हमारा डाउन कमर लाइन है और इधर से हमारा क्या है, बॉयलर स्टार्ट है, यानी कि इधर हमारा फर्नेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे फ्यूल का कंबस्शन होता है, तो इस डाउन कमर से जो वाटर है कहाँ पे आता है, तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा बॉटम रिंग हेडर। इस बॉटम रिंग हेडर की मदद से हमारा जो पानी है वो कहाँ पे आता है, तो देखिए, ये आता है हमारा इस लाइन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वॉल में आता है, यानी कि वाटर वॉल में आता है। और यहाँ पे जो हमारा हीट है, इस हीट को ये जो वाटर वॉल है एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है, स्टीम में फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो वाटर है वो पार्शियली क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहां से जो हमारा फिर से ये जो स्टीम प्लस वाटर का जो मिक्सर है, फिर से हमारा इसी ड्रम में चला जाता है, फिर यहाँ पे इंटरनल सेपरेशन करके इसको हम लोग जो भी है प्राइमरी सुपर हीटर में सेंड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो प्रोसेस हुआ, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग पानी को गर्म किए, तो इसका डेंसिटी कम हो गया, यानी कि जब हम लोग वाटर को जब गर्म करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे भी हम लोग वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग पानी को गर्म करेंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होगा, और हम लोग जानते हैं कि स्टीम का जो डेंसिटी है वो कम होता है। तो जैसे ही कम होगा, तो इस रास्ते से वो ऊपर की तरफ जाएगा और फाइनली हम लोग ड्रम में ले। तो यहां पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहां पे एक सर्कुलेशन प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि ड्रम से हमारा पानी इजीली इस बॉटम रिंग हेडर में आ जाएगा और फाइनली हमारा इधर हमारा जो स्टीम और वाटर मिक्सर है ये ऐसे सर्कुलेट करते रहेगा। तो जो स्टीम होगा इसको हम लोग फर्दर प्राइमरी सुपर हीटर के लिए भेज देंगे, और जो भी यहां पे इसके साथ जो वाटर प्लस स्टीम होता है, जो हमारा यहां पे रिमेनिंग वाटर हो गया, वो फिर से हमारा इस बॉटम रिंग हेडर की मदद से ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम लोग इस डाउन कमर को हम लोग यहाँ पे लगा दें, यानी कि डाउन कमर को अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हमारा बॉटम रिंग हेडर है, तो क्या इफेक्ट होगा, यानी कि फर्नेस के अंदर अगर हम लोग डाउन कमर को लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग इसको अंदर रखेंगे तो ये तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा,
तो ये वाटर टेम्परेचर गेन कर लेगा, तो टेम्परेचर गेन करना तो बहुत अच्छी बात है, उनके माइंड में यही रहता है। लेकिन यहां पे टेम्परेचर गेन करवाने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग इस लाइन के द्वारा यानी कि डाउन कमर को हम लोग इनसाइड में फिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो ये पानी हमारा इधर आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा पानी इधर आया, लेकिन यहां पे हीट है, तो हीट इधर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हीट इधर भी ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जब हमारा इस पानी को हीट मिलने लगेगा तो ये जो वाटर है यानी कि जो हमारा ये वाटर होगा ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि केवल वाटर वाला जो वाटर है वही केवल वेपर होगा, तो इधर भी हमारा वेपर का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है और स्टीम का जो डेंसिटी होता है कम होता है। तो इसके अंदर जो स्टीम है वो कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो वाटर है हाई डेंसिटी का वो कोशिश करेगा बॉटम में आने के लिए। तो देखिए, अगर हमारा जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जो इस ड्रम के अंदर जो पानी है वो इधर आने का अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इधर क्या है, स्टीम का एक पार्शियल प्रेशर हो गया जो कि ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो वाटर है सफिशियंट अमाउंट में हमारा इस बॉटम रिंग हेडर में नहीं आएगा, यानी कि सफिशियंट अमाउंट में हमारा जो अगर बॉटम रिंग हेडर में नहीं आएगा तो हमारा इधर जो वाटर वाल है उसमें कहां से पानी जाएगा, क्योंकि वाटर वाल में जो पानी जाता है इसी बॉटम रिंग हेडर द्वारा हम लोग पास आउट करवाते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर हम लोग डाउन कमर को अंदर रखेंगे तो इस लाइन में भी हमारा क्या है, स्टीम का फॉर्मेशन होगा जो ऊपर जाने का कोशिश करेगा और सफिशियंट अमाउंट में हमारा इस बॉटम रिंग हेडर में पानी नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारा इस वाटर वॉल में वाटर का डेफिशिएंसी हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टार्वेशन बोलते हैं, है ना। जहां पे भी वाटर की कमी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन बोलते हैं। और स्टार्वेशन के चलते हमारा क्या होता है, ये ट्यूब जो है ओवरहीट होने लगता है, क्योंकि ये जो हमारा ट्यूब है यानी कि जो वाटर वॉल है वो क्या होता है, वाटर कूल ट्यूब बोला जाता है। तो वाटर कूल ट्यूब का मतलब क्या हो गया कि इस ट्यूब के अंदर हमारा वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो अगर हम लोग इसको अंदर रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर गेन करेगा और हमारे लिए प्रॉफिट भी है, बट यहाँ पे नुकसान क्या है कि हमारा सफिशियंट अमाउंट में जो वाटर वाल है इसमें वाटर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर वाल है वो फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आउटसाइड में रखते हैं, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी का जो वाटर है वो इजीली हमारा इस बॉटम रिंग हेडर में आ जाता है और यहां से हमारा जो वाटर है इजीली इस मतलब कि वाटर वॉल में चला जाता है और फाइनली वाटर वॉल में हीट को एब्जर्व करके जो भी वाटर और स्टीम मिक्सचर है वो हम लोग इसको इस ड्रम में भेज देते हैं। इस तरह से हमारा कंटिन्यू सर्कुलेशन चलते रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेशन रेशो क्या होता है, यानी कि हमारा ये जो डाउन कमर में जितना पानी आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 4 टन यहाँ पे हम लोग वाटर ले लिए इस डाउन कमर में, तो यहाँ से जो हमारा वाटर और स्टीम जो निकलता है कितना हमारा स्टीम का प्रोडक्शन होगा, यानी कि एक बार हमारा इधर सर्कुलेट करेगा तो कितना स्टीम का फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सर्कुलेशन रेशो इन बॉयलर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन कमर का जो लाइन है उसको हम लोग आउटसाइड बॉयलर क्यों रखते हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो था, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।